कथावाचक भजन गायिका मोटिवेशनल स्पीकर सबके दिलों पर राज करने वाली कलयुग की मीराबाई भारत की आन बान शान जया किशोरी जी ने अपनी मधुर वाणी से करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। उनकी कथा भजन और सत्संग सुनकर लोग भगवान की भक्ति में खो जाते हैं। बेहद कम आयु में भगवान के प्रति भक्ति व प्रेम से हजारों लोगों को प्रभावित करने वाली जया किशोरी जी का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जिस उम्र में लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी ब्याह के ख्यालों में अपने कीमती समय को बर्बाद करती हैं, उस उम्र में तो जया जी ने इतिहास लिखकर एक मिसाल कायम कर दी। आज हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी जया जैसी संतान हो, पर इस बात पर जया जी कहती हैं, अगर आप मेरे जैसी बेटी या संतान पाना चाहते हैं तो पहले मेरे माता पिता जैसा आपको खुद बनना पड़ेगा। जया जी की सुंदरता उदारता जैसा ही सुंदर उनका जीवन परिचय भी है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं जया जी की शिक्षा, उनके परिवार और जया जी की शादी कब होने वाली है इस बारे में। तो जया किशोरी का पूरा नाम जया शर्मा है। इनका जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के गाँव सुजानगढ़ में एक गोड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवशंकर शर्मा, माता का नाम सोनिया शर्मा है और बहन का नाम चेतना शर्मा है। जया जी के घर में भक्तिमय माहौल होने से उनकी भगवान की कथा और भजनों में रुचि और भी ज्यादा बढ़ गई। जया किशोरी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोलकाता में की, इसके बाद इन्होंने बीकॉम किया। जया किशोरी जी के मात्र 9 वर्ष की आयु में कथा, सत्संग, नानी बाई का मायरा कर लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। जय किशोरी जी के चाहने वाले अक्सर ये जानना चाहते हैं कि जय किशोरी जी की शादी कब हो रही है। जय जी की खुद की शादी के बारे में क्या ख्याल है, ये उन्हीं के मुखारविंद से सुनते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से। हमेशा कहती हूँ कि मुझे मेरे जैसा इंसान चाहिए। जय जी शादी जरूर करेंगी क्योंकि जय जी ने संन्यास नहीं लिया है, पर वो कथा छोड़कर शादी कभी नहीं करेंगी। इनके गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र ने इनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए इनको किशोरी जी की उपाधि दी। जया किशोरी जी कहती है कि उन्हें अधिक समय तक अपने गुरु जी का सानिध्य नहीं मिला। जया किशोरी जी की कथाओं में आने वाला चंदा जया किशोरी जी उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान को दान के रूप में देती है। यह संस्था दिव्यांग और अपंग लोगों के लिए एक अस्पताल चलाती है। इस संस्थान में अपंग बच्चे, हार्ट पेशेंट, कैंसर जैसी बीमारी का भी फ्री में इलाज किया जाता है। जया किशोरी जी बेहद सादा जीवन जीने में भरोसा रखती हैं। वे कहती हैं कि वर्तमान तकनीकी के चलते हुए बच्चों का जीवन मोबाइल और लैपटॉप तक ही सीमित रह गया है। इससे बच्चों में संस्कारों की कमी साफ साफ देखने को मिलती है, जैसे कि आजकल के युवाओं द्वारा बुजुर्गों तथा माता पिताओं का सम्मान न करना, साधु संन्यासियों का अनादर करना और सामाजिक मर्यादाओं का तोड़ना। इस बात का एक संकेत है कि हम अपने संस्कारों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। जय किशोरी जी इन्हीं सभी बातों को अपनी सरल तथा मधुर वाणी और अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर संपूर्ण समाज को बताने का प्रयास कर रही हैं। जिस उम्र में लड़कियां घूमना फिरना तथा श्रृंगार करना पसंद करती हैं, उस उम्र में जय किशोरी जी भगवान की भक्ति में लीन है। उनका मानना है कि भगवान की भक्ति करना ही हमारे जीवन को एक सही दिशा देता है। जय किशोरी जी का भगवान खाटू श्याम में एक अटूट विश्वास है। इसी के कारण वो हर साल राजस्थान में अपने पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम जी के मंदिर में जरूर जाती हैं। वे जब भी खाटू श्याम जाती हैं, तब वे अपने परिवार के साथ पंचायती धर्मशाला में रुकती हैं। इसी दौरान 2-3 दिन जय किशोरी जी के सानिध्य में पूरा माहौल भक्ति में हो जाता है। जय किशोरी जी को कई तरह के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कुछ दिन पहले जय किशोरी जी के बारे में एक अफवाह फैलाई गई थी जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थी। जय किशोरी जी का संबंध सीधे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ बताया जा रहा था। यह सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा, जबकि पंडित जी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उनसे ना कभी मिले, ना कभी उन्हें देखा और ना ही कभी उनसे कोई बातचीत की। एक इंटरव्यू के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से ये पूछा गया, क्या आप जय किशोरी जी के साथ शादी करने वाले हैं? तो उस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये जवाब था कि जय किशोरी जी उनके बहन जैसी हैं, उन्होंने ना ही तो कभी उनसे कोई बातचीत करी है, ना ही कभी कोई मुलाकात हुई है और ये सिर्फ एक अफवाह है जो बिल्कुल बेबुनियाद है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको जय किशोरी जी के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जय किशोरी जी के सत्संग वीडियोस और भजन सुनते रहिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।